हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। उसी तरह आज मैं आप लोगों को एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। अगर आपने नहीं खरीदा है तो आप खरीद सकते हो, क्योंकि अभी मार्केट ओपन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, ठीक है। 8:35 हो रहा है अभी, तो मैं पहले वीडियो बना दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों पहले बनाऊंगा तभी आप लोग बाय कर पाइएगा। अगर आप हमारे पेड मेंबर बनना चाहते हैं दोस्तों, पेड सर्विस लेना चाहते हैं, तो इससे भी पहले आपको बताया जाएगा, जिससे आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिले। तो जो मैं अभी स्टॉक बताने जा रहा हूं उसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। अभी देख लीजिए, इसका जो टारगेट चल रहा है दोस्तों 319 के भाव पे चल रहा है, ठीक है। अभी मार्केट ओपन होगा तो अच्छा खासा इसमें बाउंस बैक देखा जाएगा। हालांकि हम जो भी स्टॉक को बाय करते हैं दोस्तों, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो आप इसको खरीदिए और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डालिए इसमें, और अपना जो है अच्छा से अच्छा प्रॉफिट अर्न कीजिए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप कितना इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, BDL, भारत डायनेमिक, ये पूरा स्टॉक का नाम है, भारत डायनेमिक। अभी देख लीजिए इसका जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 319, ठीक है, 319 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। 319 रुपीज़ आपको इसको बाय करके चलना है। और इसका जो टारगेट रहेगा दोस्तों, जो इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो मैं आपको बता देता हूँ चार्ट के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको 319 रुपीज़ शॉप कर रहा है। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों 330 रहेगा, ठीक है। जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 330 रहेगा शॉर्ट टर्म में। उसके बाद जो है दोस्तों 342 रहेगा, ठीक है। दूसरा जो टारगेट रहेगा 342 रहेगा, ठीक है। तो आपको ये दो टारगेट को अचीव करने के लिए मार्केट में बाय करना है शॉर्ट टर्म के लिए। भारत डायनेमिक ये स्टॉक का नाम है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टॉक है। और अभी जैसे जैसे बजट आने वाला है, वैसे वैसे आपको और भी अच्छा अच्छा स्टॉक मैं बताऊंगा। और जहां तक रिटर्न की बात करते हैं दोस्तों, जब ये स्टॉक गिरता है तो दिक्कत की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि एक चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन अगर आप समझ जाइएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यहां पर देख लीजिए, ये स्टॉक जब गिरता है तो बहुत भारी गिरता है। अगर अगर ऊपर जाता है अपर सर्किट, तो भी बहुत ज्यादा ऊपर सर्किट लगा देता है, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। लेकिन फाइनली हमें देखना है, ये ट्रेंड जो है दोस्तों थोड़ा सा अपर सर्किट में ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो 1 ईयर के अंदर जो है इसने 12% का रिटर्न दिया। जो भी है, 12% का रिटर्न 1 साल के अंदर में सही है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि बैंक हमें 5% देती है। अगर ये हमें 12% दे रहा तो भी अच्छा है, समझे, ये अच्छा है दोस्तों बैंक के हिसाब से। उसके बाद 1 मंथ में देखिए 10% का रिटर्न दिया, तो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, टाइम चाहिए लेकिन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड के मामले में देख लेते हैं दोस्तों। डिविडेंड अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे दिनों के लिए रखना चाहते हैं, अपने पास होल्ड करना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए, जिससे उनको डिविडेंड भी मिले, तो डिविडेंड भी अच्छा खासा कंपनी दे रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो को मैं शॉर्ट से शॉर्ट बनाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को मार्केट ओपन होने के बाद आप इसको वॉच कर पाए। क्यों, जब तक आपको मैं नहीं बताऊंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल में एक दिन पहले बता दिया जाता, आपको बिलीव नहीं होगा, ठीक है। तो भारत डायनेमिक को शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है, एक दो दिन के लिए बाय नहीं करना है, ठीक है। एक दो दिन मतलब कुछ लोग ऐसे हैं इंट्राडे में, कुछ लोग ऐसे हैं मतलब खरीदते हैं छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आपको और भी अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में।